टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक और मेडल पक्का कर लिया है। ये मेडल लवलीना बोरगोहेन के पंच से पक्का हुआ है। महिलाओं के वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीत भारत की लवलीना ने न सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया बल्कि इसी के साथ अपने नाम पर मेडल भी कंफर्म कर लिया। क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर लवलीना ने चीनी ताइपे की बॉक्सर को हराया। ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल होगा। सेमीफाइनल में लवलीना का मुकाबला अब नंबर वन सीड तुर्की की मुक्केबाज से होगा। मुकाबले के दौरान चीनी ताइपे की मुक्केबाज के खिलाफ लवलीना ने अपना पहला राउंड 3-2 से जीता। इसके बाद दूसरे राउंड में पांचों जजों का फैसला लवलीना के फेवर में गया। तीसरे राउंड में चीनी ताइपे की मुक्केबाज ने वापसी की भरपूर कोशिश की पर लवलीना ने अपने बेहतर डिफेंस से चीनी ताइपे बॉक्सर के हमलों को बेकार कर दिया। चीनी ताइपे बॉक्सर के खिलाफ ये लवलीना की चौथी फाइट थी। इससे पहले हुए 3 मुकाबले में वो हर बार चीनी ताइपे के मुक्केबाज के खिलाफ हारी थी लेकिन टोक्यो ओलंपिक के रिंग में उन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ऐसे में फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि लवलीना ऐसा ही धमाकेदार प्रदर्शन सेमीफाइनल और फाइनल में भी कर मेडल का रंग सुनहरा कर ले ताकि फैंस की खुशी 4 गुना बढ़ जाए।